हम लोग वेट कर रहे थे ग्रासलैंड में कि हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। और अर्ली मॉर्निंग है, 4:30 हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सफारी के लिए। और बारिश भी हो रही है, नींद भी पूरी नहीं हुई है और बारिश भी है अभी हल्की हल्की। देखते हैं ऐसे मौसम में क्या रहता है। एक्साइटिंग का रहने की जिद है बहुत ज़्यादा। बहुत मन हो रहा था, बहुत दिनों से नहीं गया था कहीं। और रामनगर पहुंच गए हैं, हल्की बारिश हो रही है। अभी ऑनलाइन बुकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पे ऑफिस है जहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है सफारी बुकिंग के लिए। और यहीं पे हम लोग अपना परमिट लेने आए हैं। बहुत भीड़ है क्योंकि हल्की बारिश भी हो रही है, सब लोग अंदर को खड़े हुए हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। वीकेंड भी है, सब ट्राई कर रहे हैं अपना सफारी का। और दीपू भी यहाँ पे है, तो अभी परमिट का भी अपडेट लेते हैं और फिर चलते हैं सफारी की ओर। यहाँ पे ऑफिस है मेन, यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग होती है जो भीड़ है। और उसके बाद अभी टाइम, अभी साबू भाई बता रहे हैं, हमें मिल गए साबू भाई। और हेलो, देखिए ये होती है ऑफलाइन की प्रॉब्लम, सुबह 4 बजे आके खड़े होना पड़ता है। और भीड़ देखिए कितनी है पीछे। और तो भाई अपडेट दे रहे हैं कि साइट ठीक कर दी गई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आज ऑनलाइन हो जाएगी साइट। आई थिंक कुछ अपडेट हो रहा था साइट में, लेकिन फिर भी देखिए अभी कितनी भीड़ है और कैसी हालत हो रही है। लोग 4-4 बजे से खड़े हैं तो अपने परमिट लेने के लिए। और जैसे ही परमिट मिलता है तो चलते हैं। कुछ गाड़ियां जा चुकी हैं, टाइम हो चुका है क्योंकि 5:45 की थी, 6 बजने वाला है, तो हम 15 मिनट लेट हो चुके हैं। 15 मिनट और लगेगा मुझे लगता है, तो आधा घंटा लेट जाएंगे हम वहाँ अंदर। देखिए ये है यहाँ का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पूरा मैप, आप देख सकते हैं। अभी हम जाने वाले झरना जोन, तो बस अब चलते हैं गाड़ी की ओर। और जैसे साबू भाई बोले के आएंगे परमिट, हम लोग जाएंगे गाड़ी में और फिर सफारी में ट्रांसफ़र करके वहाँ से चलेंगे सफारी की ओर। और आपको दिखाते हैं इंतज़ार करते हुए टूरिस्ट। कैसी हैं आप? नींद बहुत, इतनी जल्दी उठा दिया सुबह और फिर भी लेट ही हो गया। और बस अब इंतज़ार है साबू भाई जल्दी से आ जाए अपना परमिट लेके, तो फिर हम आगे बढ़े। दूसरी गाड़ियों को जाते देख बहुत बुरा फील हो रहा है कि हम लेट हो रहे हैं। आ जाना ना रात को 12 बजे। अभी तो देखिए और कितना टाइम लगता है, वैसे भी लेट तो है ही, हो ही गए हैं। लोग तो अपनी दिखाई भी होंगे। टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 6 और 6 बज गए हैं और जा रहे हैं हमारे राहुल है जो गाड़ी में है। तो फाइनली हमें पास मिल गया है जो हम सोच रहे थे कि अब कैंसिल करके घर वापस जाते हैं, लेकिन और टाइम भी 6:45 हो गया है गाड़ी। और फाइनली इंतज़ार के बाद हम लोग को परमिट मिल गया है और हम लोग जा रहे हैं। मौसम बढ़िया हो गया है, अभी बारिश हल्की थी जो रुक गई है, तो बस अब उम्मीद है अच्छी सफारी हो, मज़ा आए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपसे आगे। बहुत ही जल्दी में जा रहे हैं हम क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और इनको तो 2 हेडशॉट पड़ चुके हैं। बस
बारिश की एक बूंद भी चेहरे पे इतनी तेज़ लग रही है, और पत्ता अगर झाड़ी वगैरह थोड़ा सा भी टकरा रही, क्योंकि हम बस स्पीड में जा रहे हैं, इतना लेट हो चुके हैं कि बस होना है कि मुझे लग रहा है क्राउन मार के सीधे बाहर ही आना, और मौसम देखिए अब कितना बढ़िया है। और एक ऐसा रोड ब्लॉक आ गया जो हमें चाहिए नहीं, लेकिन उम्मीद करेंगे हमें दूसरा रोड ब्लॉक भी मिलेगा आज। और काकर दिख गए हम, शुरुआत हो गई है। गेट के करीब पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे हमारा परमिट चेक होगा, और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा ही होगा, और उतनी जल्दी हम अंदर पहुंच पाएंगे। और अभी हो रहा है परमिट चेक, हम उसी के लिए रुके हैं, फटाफट से हो जाए तो हम जल्दी से जाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने लेट हो चुके हैं। और देखते हैं साइकिल का क्या रहता है, अभी तो बारिश रुकी हुई है, अच्छा मौसम है काफ़ी। हम आ गए हैं तो चलते हैं जल्दी से। सौ भाई कौन आ रहा है? और बॉबी जी आ गए हैं, तो बस अकॉर्डिंग टू परमिट हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क के थर्ड सेक्शन छिरना फॉरेस्ट घूमने जा रहे हैं, बाकी सारे सेक्शन फर्स्ट सेकंड बंद हो चुके हैं। तो चलते हैं बॉबी जी, और उम्मीद करते हैं अच्छी साइटिंग की, तो टाइगर देख कर आएंगे। टाइगर देखने की संभावना कई गुना ज़्यादा। चलो बॉबी जी के साथ हमारी फर्स्ट सफारी है। बॉबी जी ने बोला है संभावना है टाइगर देख के आएंगे, तो देखते हैं बॉबी जी का कॉन्फिडेंस। मोर यार, अपने सफारी की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। एक गाइड बॉबी जी हमको कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बता रहे हैं, छिरना जोन के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे आवाज़ का कुछ इशू हो गया था, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि विंड का इशू हो रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि जो छिरना जोन और ढेला जोन है, इन दोनों का गेट एक ही है। दोनों की जब आप किसी भी जोन की सफारी करेंगे तो एक ही गेट से अंदर आएंगे, क्योंकि अंदर से दोनों कनेक्टेड है, बट दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अगर आप झिरना जोन में जाएंगे तो ढेला जोन में नहीं जाएंगे, ढेला जोन का परमिट होगा तो आप झिरना जोन में नहीं जाएंगे। और ये दोनों जोन थ्रू आउट द ईयर खुले रहते हैं, ये बारिश में भी खुले रहते हैं। बाकी पिजरानी जोन, ढिकाला जोन और दुर्गा देवी और गर्जिया, ये सब बारिश के टाइम बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी भर जाता है रास्तों में और इशू होता है बारिश के टाइम में। तो नवंबर से फिर वहाँ सफारी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे ढिकाला, ये जब यहाँ पे जब ढेला और झिरना भी जब आप आते हैं तो यहाँ पर बारिश का पता करके आइएगा, क्योंकि इनका जो रास्ता है, जो मैं रास्ते में कई जगह पे आपको हल्का हल्का पानी दिख रहा होगा, वहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और ये जो ढेला वाला रास्ता है उसमें तो लास्ट ईयर एक गाड़ी भी बह गई थी, इतना ज़्यादा बारिश का पानी आ गया था, क्योंकि वहाँ से नदी जाती है तो रास्ता बंद भी हो जाता है। तो वो आप पता करके आइएगा जब आप इन जोन की सफारी मानसून में करते हैं। बाकी मैंने और टाइम के मानसून की मेरी फ़र्स्ट सफारी है, नहीं इससे पहले मैं एक बार शायद बिजरानी आई थी, तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, तो मानसून की अब व्लॉग के टाइम से मेरी फ़र्स्ट सफारी है, तब मुझे साइटिंग नहीं हुई थी। आज देखिए क्या रहता है। और बाकी मैंने कॉर्बेट नेशनल पार्क के और भी बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं, जो कि आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आप उनको भी देखिएगा। और मैंने रिसेंटली पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भी व्लॉग बनाया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और हम चलिए आज इस सफारी पे चलते हैं, और मॉनसून की ब्यूटी आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ऐसे में हमें टाइगर की साइटिंग हो तो दो गुना खूबसूरती बढ़ जाएगी, दो गुना नहीं चार गुना पाँच गुना खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो देखिए क्या रहता है। और अभी हम हैं ग्रासलैंड में, तो ढेला और झिरना दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी साइटिंग होती है।
अभी थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं। एक वाटर पाउंड है, ये वाटर पाउंड 5 टाइगर के अंदर है। ये वाटर पाउंड है 5 टाइगर का। 5 टाइगर मतलब एक बागिन 4 बच्चे। अच्छा 4 बच्चे हैं इसके। 4 उसके, कोई दो ही बोल रहा था। और अगर हम आगे जाने का प्लान कैंसिल करते हुए हाँ सिर्फ यहीं खड़े हो जाएं, हाँ श्योर शॉट है कि हम टाइगर छाप के जाएंगे। अच्छा, क्योंकि यहीं तो मूवमेंट कर जाते हैं, कई बार ऐसे घास में से निकल के आ जाते हैं, कभी पीछे पता चल जाता है, कभी इधर चल जाता है। सनबर्ड यहाँ पे ना, पर्पल सनबर्ड प्लूमेज में। ये तो बागिन 2 बच्चों के साथ थे ना, लेकिन ये उड़ गई उधर चली गई। ये वही है, 4 है, 4 बच्चे यहाँ पे। आते ही सोनू ने स्पॉट किया टाइगर और उसके वीडियो भी बनाए, शॉर्ट्स भी आए कुछ। लेकिन बहुत नाराज है सबसे पहले, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले देख लिया था और उसने साइड बहुत देर तक। और यहाँ पर मैं इसलिए गुस्सा थी, इसलिए नाराज थी क्योंकि हुआ यूँ था कि मैंने टाइगर को सबसे पहले साइट किया था, मैंने सबसे पहले उसकी साइटिंग की और मैंने काफ़ी दूर से आते हुए उसे देख लिया था, ग्रास में वो चलता हुआ आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि कोई एनिमल, कोई और एनिमल है या सांबर डियर या फिर वो गाय तो नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा इस एरिया में और कोई एनिमल क्यों होगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। जस्ट हम आए थे गेट से एंटर होके और प्रिपेयर भी नहीं थे इस चीज़ के लिए कि हमें टाइगर दिखेगा, और इतनी आसानी से दिखना तो सोचा भी नहीं था। तो मैंने सब लोगों से बोला कि शायद टाइगर है वहाँ, तो पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, फिर जैसे ही औरों ने भी देखा तो सब एक्साइटेड हो गए। सब लोग क्योंकि बर्ड वॉचिंग के लिए वहाँ पर रुके हुए थे, सब लोग सनबर्ड की पिक्चर क्लिक कर रहे थे और मैं ग्रास एरिया में देख रही थी, तो तब मुझे टाइगर दिखा था, वरना हम सीधे आगे की तरफ ही जा रहे थे। मैं पीछे बैठी हुई थी तो मैं उस साइड को देख रही थी और वो साइड पे चलता जा रहा था। तो जैसे ही सब लोगों ने देखा तो जो हमारे सफारी वाले भैया थे, जो हमारे जिप्सी वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है तो उन्होंने, उन्हें उसका ट्रैक पता था, उन्होंने कहा कि वो पीछे हमारी गाड़ी के पीछे से रोड क्रॉस करेगा, तो जहाँ से वो रोड क्रॉस करता है वो थोड़ा पीछे की तरफ था, तो उन्होंने बोला कि हम थोड़ा रिवर्स में जाते हैं पीछे को ताकि हमें पास से वो दिख जाए और हमें स्पेस भी दे देंगे। मतलब ये ज़रूरी भी है कि आप टाइगर के एकदम करीब भी ना जाएं, उसको जाने का रास्ता भी दें, और अगर कोई गाड़ी वहाँ से आ रही होती तो हम उसे वहीं पे रोक देते। तो हम जैसे उस समय तो वो चल रहा था और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स में जा रहे थे तो उस समय टाइगर हमें देख रहा था और वो ग्रास में इतना सुंदर लग रहा था और वो रुका हुआ था वहाँ पर। तो हम जैसे ही भैया ने रिवर्स में ली तो उन्होंने जब ब्रेक लगाया तो एक बड़ा सा पेड़ के आगे ब्रेक लगा, तो उसके बाद वो हमें दिखा नहीं टाइगर, वो छुप गया पेड़ से। तो मुझे उस समय ये चीज़ बहुत वो लग रही थी बुरी, क्योंकि जब हम जहाँ पर रुके हुए थे पहले हम वहाँ से अगर वीडियो बना लेते तो कम से कम वो कैप्चर हो जाता पूरा चलते हुए जाके, और उसके बाद जब हम पेड़ के आगे रुके और फिर वहाँ से फिर से स्टार्ट करके जब आगे की तरफ गए तो तब तक वो बड़ी ग्रास में घुस चुका था, तो उतना अच्छे से वो वीडियो आया नहीं। और जब हमें देख रहा था और रुका हुआ था तो हम उस समय गाड़ी मूव कर रही थी तो हम ना वीडियो बना सकते थे ना पिक्चर क्लिक कर सकते थे क्योंकि शेक हो रहा था हाथ, इसलिए क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम सफारी में जाते हैं, फर्स्ट टाइम आप टाइगर को देखते हैं, तब तो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है कि हाँ हमने टाइगर देखा। बट हम इतनी बार सफारी में जाते हैं, इतनी बार हम टाइगर देख चुके हैं, तो अब ये होता है कि हमें और अच्छी वीडियो उसके मिल जाए और अच्छी पिक्चर्स क्लिक हो जाए और अच्छी व्यू के साथ वो दिख जाए। तो ग्रास में देखना, मॉनसून की सफारी में टाइगर देखना बहुत बड़ी बात होती है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क में तो वैसे भी इतनी आसानी से टाइगर नहीं दिखता है। तो ये चीज़ मुझे ख़राब लग रही थी कि हमने इतना अच्छा मौका गंवा दिया, और लेकिन हाँ खुशी भी इस बात की थी क्योंकि टाइगर इतनी लेट आके भी हमें टाइगर दिख गया, और मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी को दिखा होगा टाइगर क्योंकि ये इसी समय मूव कर रहा था। वो तो टाइमिंग का है कि कब वो मूव करेगा, कब आपको दिखेगा। और जो दूसरी गाड़ी आ रही थी उनको भी बस झलक ही दिखी टाइगर के जाने की, तो सिर्फ हम 2 गाड़ियों को स्पॉट हो पाया। पहली गाड़ी हमारी ही थी जो हमें ग्रास में चलते आते दिखा, उन्होंने बस रोड क्रॉसिंग का देखा। तो खुशी तो थी लेकिन और गुस्सा भी था कि टाइगर इतना अच्छा साइट हो रहा था और सबको अच्छी पिक्चर्स मिलती इस बात का। तो फिर उसके बाद हम इस होप में थे कि चलो कोई नहीं हमें अंदर मिल जाएगा,
अब हम अंदर की तरफ जाने लगे कि पहले जोन में जाएं, क्योंकि अभी तो एंटर ही हुए थे, अभी तो पूरा फॉरेस्ट देखना बाकी था। तो चलिए, आपके लिए तो वीडियो बन ही गया और पिक्चर्स भी आ ही गई। क्रॉसिंग का भी ऐसा ही हो गया कि बस हम क्रॉसिंग के लिए बिल्कुल रुके थे कैमरा ऑन करके, तब तक वहाँ से गाड़ी आ गई और वो क्रॉस करने से रुक गया, तो हमें लगा कि अरे अब तो शायद ये ग्रास में बैठ गया, तो मैंने भी कैमरा जैसे रखने लगी तो एकदम से क्रॉस करने आ गया। तो स्टार्टिंग में तो हल्का सा ब्लर सा हो गया मेरा वीडियो, जो आपने देखा ही होगा, लेकिन उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा जूम आउट किया तो वो क्लियर बन गया और फोटोग्राफ्स भी अच्छी आ गई। पिक्चर्स क्लिक कर ली थी शिव ने और वीडियो बनाया था मैंने। खोल के हम लोग वेट कर रहे थे ग्रासलैंड में कि टाइगर आएगा वहाँ से, बट टाइगर निकल रहा था पीछे से और मैंने देखा, मैंने कहा गाय जैसे क्या, फिर मैंने कहा टाइगर, मैंने कहा टाइगर की रिया में गाय और देखा टाइगर फैल गया। कुछ क्यों रहा हूँ मैं, जब मैंने इतनी जल्दी देखा टाइगर, मैंने उनसे बोला कभी यकीन नहीं करा, उसे मैंने कहा एलिफेंट चार्ज कर रहा है तब भी इन लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं किया, आज मैंने कहा टाइगर दिख रहा तब भी यकीन नहीं किया। क्यों नहीं किया, किया तो गाय थोड़ी ना होगी, टाइगर ही होगा, मैं गलत नहीं हो सकती, मैंने टाइगर की वीडियो में गाय इतने आराम से क्यों होगी। और बहुत ही सुंदर टाइगर था, बहुत ही बड़ा सुंदर था और ये लोग पता नहीं ऐसे ही हो गया, इतना अच्छा पोज दे रहा था, लेकिन उसका रोड क्रॉसिंग का वीडियो और शॉर्ट्स आए हैं और ग्रासलैंड में भी शॉर्ट्स आए हैं और वीडियो भी आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब जो हम चाह रहे थे जितना लंबा वीडियो मिल सकता था नहीं मिला, लेकिन ठीक है, बढ़िया वीडियो आ गया। पोजिशनिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाई तो देखते हैं, खारा गेट आने वाला है, खारा गेट आने वाला है और खारा गेट से अंदर चलते हैं। अब जिन्ना के जोन में देखते हैं क्या हो रहा है, और खारा गेट आ गया है। अब यहाँ पे एक बार परमिट फिर से चेक होगा और फिर हम आगे को चलेंगे। आँखों में वही टाइगर घूम रहा मेरे तो, बहुत सुंदर टाइगर था। और देखिए जंगल में यही होता है, वक्त का खेल। हम लेट हो गए थे, हम दुखी हो रहे थे कि इतना लेट हो गए, अब क्या होगा, कैंसिल कर देते हैं सफारी। और जैसे ही हम पहुँचे, अकेली गाड़ी हमारी थी जिसको टाइगर की वो साइटिंग हुई है, और एग्जैक्टली और उसके बाद कोई गाड़ी नहीं थी, एक गाड़ी आई उसको जस्ट थोड़ा सा दिखा अंदर जाते हुए, और वो हम बयां भी नहीं कर सकते जो, और वो हम बयां भी नहीं कर सकते जो सेटिंग हम सिर्फ 10% की आप वीडियो में देख रहे हैं, तो हम काफ़ी देर से उसे देख रहे थे, गाड़ी मूव होते हुए आगे पीछे, तो टाइगर आगे तो निकलता गया और उसने हमारी तरफ को देखा भी, वो सब हमारी आंखों ने कैप्चर किया और वीडियो में आया है थोड़ा। अब हम पहुंच गए हैं जिन्ना की ग्रासलैंड वाले एरिया में और आपको दिखाते हैं पानी कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कंडीशंस तो अभी भी ओवरकास्ट है। और ये देखिए पूरा ओपन एरिया। तो यार अभी हम पहुंच गए हैं वहां, आज किनारे जाते हुए जो रिवर परसाती रिवर है, यहाँ पे अभी टाइगर। और ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे टाइगर, टाइगर के पकमाक बैठा भी है, टाइगर यहाँ बैठा था। हाँ यहाँ पे ये बैठने का निशान है उसका, पगमार्क है और उसके पास ये पगमार्क है, ऊपर की तरफ गए हैं तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि टाइगर बैठा था। अभी बरसाती रिवर है, हालांकि अभी पानी जितनी बढ़ती जाएगी पानी इसमें और ज़्यादा फ्लो से आएगा। और ये ग्रासलैंड है जिन्ना का, तो इधर की तरफ जा रहे हैं, पहले हम इधर हाई बैंक की ओर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि टाइगर की मूवमेंट इस तरफ दिखी थी तो इस तरफ एक बार चेक करते हैं। और पिछली बार 4 नंबर टाइगर्स की भी साइटिंग हमें इधर ही हुई थी। ये हमारी पहली मानसून सफारी है और पहली मानसून सफारी में ही हमें टाइगर की साइटिंग हुई है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि लोग कहते हैं मानसून में बहुत डिफ़िकल्ट होता है टाइगर की साइटिंग, क्योंकि हर जगह पानी होता तो बाहर की तरफ नहीं निकलते जनरली। और वाटर होल रुके हैं अभी थोड़ी देर, यहाँ पिछली बार हमें ऊपर की तरफ 4 नंबर टाइगर्स की सेटिंग हुई थी। तो चल गया,
और ये यहाँ से तीन रास्ते जाते हैं। और अभी बस एक कॉल आई है तो हम रुक गए हैं यहीं पे। अभी देखते हैं फॉलो अप कॉल आती है तो फॉलो अप कॉल है। पीछे को डियर भाग है तो देखते हैं पीछे को डियर आ रहे हैं। और अभी यहाँ सांबड़ी की कॉल आई है और हिरन भी भागा है। पाउटर डियर भागा है, सांबड़ डियर की कॉल आई बहुत जोर से अलग कॉल ही है। तो अभी हम बैक में जा रहे हैं। जब से इधर भागते हुए देखा है तो हम पीछे उनका रेट है इधर है और तभी वो भागा है उसको देख के कॉल करके और क्या पता टाइगर मूव करेगी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। हमने वहाँ पे कुछ देर वेट किया बट टाइगर निकला नहीं तो हम आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम है भी नहीं अभी हमारी सफारी के लिए। देखिए रास्ता बंद बहुत ही मुश्किल से निकलना है ऐसा हो रहा है। अभी मानसून में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पेड़ वेड़ गिर जाते हैं और रोड थोड़ी ढह जाती है तो थोड़ा वो प्रॉब्लम होती है, इसलिए बाकी जो मेजर जोन है वो बंद कर देते हैं। जीर्ण और ढेला खुले रहते हैं जो आउटस्कर्ट्स वाले एरिया हैं। ये है जंगल फाउल जिसे हम जंगली मुर्गी भी कहते हैं। ये मेल है, देखिए इसके कलर्स इतना सुंदर है। ऐसे ये देर रोड के आसपास मिलेगा नहीं, ये काफ़ी शाये होते हैं, एकदम से भाग जाते हैं और इनकी स्पीड होती है दौड़ने की बहुत ही फास्ट होती है तो ऐसे कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अभी यहाँ पे मिट्टी खोद रहा है तो हम इसे काफ़ी अच्छा इसका वीडियो बना पा रहे हैं। कलर्स देखिए इसके कितने सुंदर है। आप तो देखते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं एलिफेंट्स के पैरों के निशान, काफ़ी बड़े बड़े निशान बने हुए हैं। और अभी तो आज तो हमें एलिफेंट्स दिखे नहीं अभी इस जोन में, इस बार हमें ढिकाला में बहुत सारे एलिफेंट्स दिखे थे, बहुत सुंदर सुंदर वीडियोज़ उनकी बनी, वो व्लॉग भी आप ना देखिएगा। बट बात करते हुए और बड़ा टस्कर भी हमें दिखा रही हूँ, बड़े थे टाइगर देखिए होता ही ऐसा थोड़ी देर तक तो इंसान सोचता रहता है। क्या करूँ। ये देखिए पानी के पास पग मार्क्स दिख रहे हैं टाइगर के, यानी कि टाइगर यहाँ पर था। वो हो सकता है अर्ली मॉर्निंग यहाँ से चला हो, पानी पिया हो, यहाँ बैठा हुआ हो, यह है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये मेल है, वाइट कलर की, कितनी सुंदर इसकी टेल है और कितनी सुंदर ये बर्ड है, बहुत ही सुंदर लगती है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और यहाँ पर और भी हैं जो मेल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और जो फीमेल होती है वो ब्राउनिश होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जंगल में सिर्फ टाइगर के लिए आएँ, यहाँ पर और भी कई तरह के एनिमल्स हैं, कई तरह की बर्ड्स हैं जो कि आप पहली बार देखेंगे। यही ब्यूटी है फॉरेस्ट की, यही ब्यूटी है जंगल की। तो होप कभी मत खोइए, टाइगर नहीं दिखा तो और भी नई चीज़ें आप देख कर जाएंगे और सीख कर जाएंगे। और हमें यहाँ पर वेट करते हुए दिखा इंडियन पीता जिसे कि नवरंग भी कहते हैं क्योंकि इसके इसमें 9 कलर्स होते हैं, बहुत ही सुंदर बर्ड होती है। पहले हम इसे बहुत ढूंढते थे इस बर्ड को, बर्ड वॉचर्स की पसंद होती है क्योंकि इसके कलर्स इतने अच्छे होते हैं, लाइट में इसकी पिक्चर्स तो बहुत ही अच्छी आती है। इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम उड़ीसा में देखा था, भीतरकनिका में, बहुत ही सुंदर बर्ड थी, मतलब बहुत ही सुंदर बर्ड है। और यहाँ पर इसका नेस्ट है, इनका ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो हम थोड़ी देर इसके लिए वेट कर लिया
तो ये देखिए, मैं यही आपसे कह रही थी कि जंगल में ऐसा नहीं है कि आपको टाइगर नहीं दिखा तो और भी कुछ नहीं दिखेगा। होप मत खोइए, टाइगर तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे और बहुत ही सुंदर अनुभव करेंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आपको कुछ भी मिल सकता है, कहीं भी कभी भी। यहाँ जिरना का FRH है, अगर आप नाइट स्टे के लिए आते तो आप यहीं रुकेंगे। और हम जा रहे हैं हाई बैंक की ओर, और आ गए अब हम हाई बैंक। और एक बार हाई बैंक पे चेक करके अब हम आगे को जा रहे हैं। अभी तो पूरा साइलेंट है हाई बैंक एरिया में, तो हमने कहा आगे ही ट्राई करते हैं। पानी कितना हाई बैंक में, हाँ बहुत ही अच्छा, और ये हैं बया बर्ड्स, ये उनके नेस्ट हैं। कितने सुंदर सुंदर नेस्ट बनाए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट होते हैं। देख रहे हैं आप उनके नेस्ट कितने सुंदर बने हुए हैं। तो अब टाइम थोड़ा कम है तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम वेट कर सके। आप चले गए, ये गई उड़ते हुए ऊपर से ग्रेट हॉर्नबिल, और शायद वीडियो में आई हो। अरे देखिए, ये जो वन कर्मी है उनको ऐसे अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, बस एक हाथ में डंडा है और कुछ नहीं है, और उनके पास बस डंडा रहता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ नहीं होता। और ये टाइगर का एरिया है पूरा, हमने यहाँ पर भी टाइगर को देखा है पहले, थोड़ा आगे भी देखा है, जहाँ से चले जा रहे हैं उधर भी देखा है। तो सोचिए इनकी जॉब कितनी टफ होती है। और यही है एरिया जहाँ सुबह हमें दिखा था, यही था वाटर होल। तो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं, क्या पता कुछ और मूवमेंट मिले। और टाइम ख़त्म हो चुका है तो अब बाहर की ओर निकल रहे हैं, और अभी तो साइलेंट था ग्रासलैंड भी, कोई मूवमेंट तो थी नहीं। और हम लेट अंदर आए थे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, विच इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि परमिट्स कटने में हमारी कोई गलती नहीं थी, हम टाइम पे थे, लेकिन वहाँ ऑफिस में क्योंकि मैन्युअली काट रहे थे वो परमिट, उसमें टाइम लग रहा था। और आ गए हम एग्जिट गेट पे, भी टाइम हो गया ओवर, और लेते हैं सब लोग से एक्सपीरियंस। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया, ज़बरदस्त, मसालेदार। तो जाते ही मतलब टाइगर की साइटिंग हो गई थी, वो बहुत बढ़िया रहा हम लोगों के लिए, और उससे ये कि बहुत बढ़िया, मौसम भी बहुत अच्छा था। और हालांकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचे थे, लेकिन वो लेट साइटिंग होती भरपाई हो गई। और राहुल, पहली बार जिन्ना की साइटिंग? जिन्ना आज पहली बार साइटिंग हुई है, काफ़ी लेट थे, जिम गवर्नमेंट में पहली साइटिंग थी आज, लेट आए थे बट साइटिंग हो गई। बाकी तो मॉनसून की पहली सवारी है, तो काफ़ी शानदार थी, जंगल हमेशा ही सुंदर रहता है। बट तो राहुल भाई, और उनसे पूछते हैं जिन्होंने आज टाइगर साइट किया, बहुत लंबे टाइम बाद साइटिंग हुई है, जिम गवर्नमेंट का खाता खुल चुका है आज फाइनली, और जो मैंने साइट किया टाइगर, लेकिन जो इनको लग रहा था गाय है, लेकिन गाय कहाँ होगी जंगल में, और टाइगर था वो।
तो बहुत अच्छी साइटिंग थी। एक्चुअली हम वाटर होल्स देख रहे थे और वहाँ पर सनबर्ड थी, तो हम उसको कैप्चर कर रहे थे। तो अचानक से मुझे दिखा कुछ मूव होते हैं, मुझे लगा गाय तो नहीं है, इतना बड़ा सा क्या है, क्योंकि मेल टाइगर था ह्यूज। बट मैंने कहा ये टाइगर्स का एरिया, क्योंकि पास टाइगर के एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर गाय का तो पॉसिबल नहीं था। और जंगल है पूरा घना, तो वहाँ पर वो टाइगर मूव कर रहा था, तो हम उसी का वीडियो बनाते रहे, वो चलता रहा। और थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो गया, मतलब हमारी गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी वो एकदम पेड़ आ गया जब वो हमारी साइड को देख रहा था। बाकी चलने का और रोड क्रॉस करने का उसका पूरा वीडियो बना है और पिक्चर्स भी है। और ऑल्दो हमारी कोई गलती नहीं थी, अंदर जाने में लेट होने में, हम लोग टाइम से आ गए थे, लेकिन परमिट कटने में टाइम लगा। अगर थोड़ा सा भी लेट होती है गाड़ी, चाहे दो मिनट हो या तो उसे ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है बाद में भी, तो फिर फाइन देना पड़ता है। एक तो और लेट आ रही है। तो बंदो, आई होप कि आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप बाकी के ब्लॉग्स भी देखिए। इससे पहले मैंने दुधवा नेशनल पार्क का भी डाला है, पीलीभीत नेशनल पार्क का भी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भी डाला है ब्लॉग, और कॉर्बेट के तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के। सो गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और मिलते हैं आपसे फिर। ठीक है।